माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे लगाया है इन्होंने सेटअप, और पता चलता है कि कौन कौन सी किताबें हैं, और काफ़ी बच्चों को लेके आए यहाँ पे ताकि वो भी देखें। आजकल जो है हम लोग किताबों से काफ़ी दूर चले गए हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, तो उनको लेके आए यहाँ पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी देखें बुक्स को, और इस पर भी अपना टाइम स्पेंड करें। हम अपने लिए भी आएँ, कोई अच्छी किताब नज़र आ गई तो उसको भी ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पास डॉक्टर मुबारक अली की किताबें हैं जो बहुत बड़े तारीखदान हैं, और हमारे बलूचिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स हैं, सिंध के, अफ़गानिस्तान के, मतलब और डॉक्टर हमारे डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी हैं जो बलूचिस्तान के बहुत बड़े तारीखदान हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग पढ़ें, हिस्ट्री जानें अपनी कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हम कहाँ से आए। बहुत खुशी हो रही है बावजूद इसके कि अब तो किताबें पढ़ना बड़ा आसान हो गया है, लोग इंटरनेट की मदद से घर बैठे इससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई ख़ासतौर पर जो पार्किंग एरिया में जब एक नज़र डाली तो देखा कि बहुत ज़्यादा पार्किंग बिल्कुल फुल है। उसे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अभी रुझान है, और यहाँ पर आकर भी अंदर बहुत खुशी हो रही है कि हर उम्र के लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरे शहरों से भी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बल्कि क्योंकि पिछले साल तो कोविड के हवाले से थोड़ा सा मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बड़ी आसानी और बहुत आराम से सब लोग पहुँचे हैं। एक्सपो काफ़ी अच्छा था, बुक फेयर काफ़ी अच्छा था, इट वॉज इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर किड्स एंड इट वॉज रियली नॉलेजेबल। मुझे पहले लगता था कि वैसे तो बुक्स की तरफ लोगों का रुझान कम है, बट आज एक्सपो देखकर मुझे लगा कि नहीं, आज रुझान लोगों का अभी भी है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी भी, वो आप मेंटली अगर हम देखें, वैसे बुक्स पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है, वो आइज़ के लिए भी बेहतर होता है अगर हम ऑनलाइन पढ़ें, जैसे कहते हैं ना लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे उसकी वजह से आइज़ अफेक्ट हो जाती हैं, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एज यू कम्पेयर टू अगर हम बुक्स लें। तो एक बार आना चाहिए, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है और बुक्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।